डॉक्टर जन बन जाने के बाद रिश्ते का इंतज़ार शुरू हो गया, लेकिन अम्मी अब्बू को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। चुनाचा उम्र रफ्तार रफ्तार ढलने लगी, लेकिन कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर जब एक दिन मैं अस्पताल से लौटी तो क्या देखती हूँ कि हमारे घर के सामने एक नौजवान ने बाइक खड़ी करके इस पर बैठा है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर तो जैसे मामूल बन गया, मैं रोज़ वापसी पर इसी तरह बाइक पर बैठे देखती। हमारा घर शहर के महंगे तरीन इलाके में होने की वजह से बिलअमूम बाइक बहुत कम देखी जाती थी। नौजवान गो के गरीब लेकिन बहुत बाअदब लग रहा था। वो ज़्यादातर अपना सर नीचे किए हुए बैठा रहता, सिर्फ एक लम्हे के लिए देखता जब मैं इसके पास से गुजरकर घर में दाखिल होती। लेकिन वो है कौन और चाहता क्या है? अगरचा शुरू शुरू में मुझे इस तरह देखकर उलझन सी होती थी, लेकिन साथ ही साथ दिल में खुशी भी हो रही थी। कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर जब भी मैं इसे बाइक पर बैठे देखती, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता। या अल्लाह, ये क्या है? क्या मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? जवानी के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि उम्र ढल जाने से पहले मेरी शादी हो जाए, ताकि रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तरह तरह की बातों से जान छूटे। ये दुरुस्त है कि नौजवान की पुरानी बाइक इसकी गुर्बत का पता देती थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाइखलाक तो है जैसा कि मालूम होता है। दिन गुजरते गए, अब मुझे यकीन होने लगा कि नौजवान मुझसे मोहब्बत करता है। तभी तो मेरे आने से पहले मुझे देखने आ जाता है और कोई और घंटों मेरे घर जाने के बाद भी खड़ा रहता है। लेकिन आखिर वो मेरे बाप से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता? क्या वो डरता है कि कहीं मेरा बाप इसे ठुकरा ना दे कि वो हमारे जोड़ का नहीं? लेकिन ये तो कोई बात नहीं, मालो दौलत तो अल्लाह की देन है। आज अगर इसकी बाइक पुरानी है तो हो सकता है कल इसके दिन बदल जाएं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है जैसा कि इसके तवील इंतज़ार से मालूम होता है, तो फिर स्टेटस का फ़र्क कोई मसला नहीं, मुझे वो गुर्बत भी मंजूर है। अब तो कमोबेश महीना होने को आया, लेकिन नौजवान की जानिब से कोई हरकत सामने नहीं आई। अब मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर मेरे बाप से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता? बिला आखिर एक दिन मैंने खुद ही जुरात की और इसके पास गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पहली दफ़ा इसे करीब से देख रही थी। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने मखसूस अंदाज में सर नीचे किए हुए हाथ अपनी गोद में रखे बाइक पर बैठा था। जैसे मुझे देखकर ज़रा सा चौंका, वो सर ऊपर किया। मैंने पूछा कि आप हमारे घर के सामने घंटों क्यों खड़े रहते हैं? इसने सादगी से जवाब दिया, बाजी मुझे ये जगह बहुत पसंद है।